मुहर्रम का त्यौहार शांतिपुर और आपसी सौहार्द के वातावरण में मनाने को लेकर एसडीएम डुमरियागंज राजेंद्र प्रसाद ने हल्लौर स्थित इमामिया मकतब के प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित कर लोगों से मुहर्रम को शांतिपूर्ण माहौल में परंपरागत तरीके से मनाने की अपील की। इस दौरान लोगों ने त्यौहार संबंधित जानकारियां देने के साथ ही साफ सफाई व्यवस्था सहित विद्युत समस्या का निस्तारण करने की मांग की। इंस्पेक्टर डुमरियागंज केडीसी ने मुहर्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखने और शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार को मनाने में सहयोग करने की अपील की। भाजपा नेता कासिम रिजवी, कैफी रिजवी, इमामबाड़ा वफ आलमगीर के मुतवल्ली सलमान रिजवी, इमामबाड़ा हुसैनिया बाबुल के मुतवल्ली अकबर मेहंदी, अंजुमन फरोग मातम के सेक्रेटरी ताशबीब हसन, गुलदस्ता मातम के सेक्रेटरी काजिम रजा, अली बॉयज कमेटी के अध्यक्ष शबाब रिजवी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैदर अब्बास, नजर अब्बास, आसिफ रिजवी, संजू रिजवी, पत्रकारों में हाशिम रिजवी, जामिन रिजवी, आफ्ताब असगर, जमील अजीम रिजवी, आबिद रिजवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस खबर में बस इतना ही।